हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लेबर कार्ड में फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना लेबर कार्ड कहीं बनवाया था या फिर आपने लेबर कार्ड खुद से अप्लाई किया था, तो कई बार तो हम अपनी फैमिली डिटेल्स को ऐड नहीं करते हैं, तो उस केस में हमारे लेबर कार्ड में फैमिली डिटेल नहीं आती है। लेकिन कभी कभी हम ऑनलाइन करते टाइम लेबर कार्ड में फैमिली की डिटेल्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन जब सत्यापन के बाद हमारा फाइनल पेड निकल के आता है तो उसमें एक दो मेंबर्स ही ऐड होते हैं या फिर कोई मेंबर ऐड नहीं हो पाता। अगर आप कोई जनसेवा केंद्र या फिर CSC केंद्र चलाते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को बखूबी जानते होंगे। आप कोई भी लेबर कार्ड अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका जो फैमिली डिटेल्स है उस लेबर कार्ड में नहीं आती है, लेकिन कस्टमर आपको डिमांड करता है बाद में फैमिली मेंबर्स ऐड करने की, और आप यहाँ पर फैमिली मेंबर ऐड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपल्सिव प्रोसेस। इस प्रोसेस के बाद आप अपने लेबर कार्ड में फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को इजीली ऐड कर पाएंगे। तो फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को ऐड करने के लिए आप सिंपली इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, onlinesociety.in। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही एक पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, लेबर कार्ड में फैमिली मेंबर कैसे जोड़ें। तो यहाँ पर अगर आप बाद में कभी वेबसाइट पर आते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं लेबर कार्ड, ये जो पोस्ट है देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर इस पोस्ट में आपको सारी डिटेल्स दे रखी है, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को चेक करना है कि आपके लेबर कार्ड में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कितने ऐड नहीं हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आप ये वेबसाइट है, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको पंजीयन की स्थिति पर आना है। तो यहाँ पर पंजीयन की स्थिति पर आपको दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस पर आप आधार नंबर, आवेदन संख्या, पंजीयन संख्या किसी पर भी क्लिक करके अपनी फैमिली डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेबर कार्ड है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन मेंबर पहले ही ऐड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों मेंबर के नाम देख सकते हैं। तो कन्फर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद अगेन से इसी वाले लेबर कार्ड को ओपन करके दिखाऊंगा। तो पूरा तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन कंफर्म करने के लिए आप दो तीन चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लास्ट का जो संख्या रहेगा 977 एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं 1346। तो यहीं पर मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखाऊंगा। इसमें मुझे एक मेंबर और ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पर टोटली चार मेंबर ऐड हो जाएंगे, ताकि आपको ना लगे ये फेक है, ये जनरली काम करता है। जब आप फैमिली डिटेल्स को चेक कर लेंगे तो हो सकता है आपके एक दो मेंबर ऐड हो या हो सकता है आपका कोई भी मेंबर ऐड ना हो। अब यहाँ पर इसी वेबसाइट के अगर हम मेन पेज पर आएँ तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा श्रमिक पंजीयन। तो इस पर हम आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो ऊपर तो आप यहाँ पर देखेंगे श्रमिक पंजीयन का आवेदन या फिर संशोधन। तो यहाँ पर अभी हमें एक संशोधन का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर श्रमिक का आधार संख्या या फिर पंजीयन संख्या में से एक डाल के मंडल को सिलेक्ट करेंगे, जनपद सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद संशोधन करें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP डालने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन भी कर जाएंगे। उसके बाद फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आगे से आप अपनी फैमिली डिटेल्स को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपकी फैमिली डिटेल्स शो नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो फैमिली की डिटेल्स है वो ऐड ही नहीं हो पाएगी। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, अगेन से आपको हमारी इसी वेबसाइट पर आ जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर से हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है लेबर कार्ड में फैमिली मेंबर्स कैसे जोड़ें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको CSC ID की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मली आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास CSC ID है तो आप आगे की प्रोसेस सीख सकते हैं। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप किसी नियरेस्ट CSC पर जा सकते हैं, और फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स ऐड कराने के लिए अगर वो आपको मना करते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे आप वो आपकी फैमिली डिटेल्स को इजीली ऐड कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर CSC लॉगिन कर लेंगे। CSC लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर योजना आवेदन। तो सिंपली योजना आवेदन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको योजना का नाम चुनना है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक योजना सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ योजना का आवेदन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको मेंबर ऐड करने की प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से होगी। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐड कर ले, यहाँ पर कोई भी योजना सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी 0920 से पंजीयन संख्या है वो यहाँ पर सिंपली अपन को टाइप कर देनी है। आप देख सकते हैं हमारी मन्ना
977 वाली पंजीयन संख्या यहाँ पर हमने टाइप की है एंड यहाँ शो पर क्लिक कर दें। शो पर क्लिक करने के बाद कुछ देर सर्चिंग चलेगी एंड यहाँ पर जो श्रमिक की डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे योजना के नाम के नीचे, व्यू फैमिली और ऐड फैमिली। तो यहाँ पर व्यू फैमिली पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। यहाँ देख सकते हैं 3 मेंबर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लेबर कार्ड में पहले भी दिखाया था। और इसमें कोई फैमिली मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको ऐड फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सदस्य का नाम भरना है। नाम आप इंग्लिश में टाइप करेंगे देन उसके बाद हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो गूगल इनपुट टूल्स का यूज करते हुए हिंदी में नाम करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो फैमिली मेंबर है उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको संबंध चुनना है, तो जो भी संबंध होता है श्रमिक से वो संबंध सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ आपको जोड़े पर क्लिक कर देना है। तो जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे फैमिली मेंबर जो अब तक 3 थे वो अब यहाँ पर 4 फैमिली मेंबर हो चुके हैं। अब इसे कंफर्मेशन कराने के लिए मैं यहाँ पर अगेन से आपको जो वेबसाइट हमने पहले ओपन की थी वही सेम वेबसाइट को चेक करने के लिए हम अगेन से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर श्रमिक पंजीयन की स्थिति पर आ जाना है। यहाँ पंजीयन संख्या को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर पंजीयन संख्या भरेंगे। अगेन से यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो पंजीयन संख्या फिल की है वो लास्ट में 977 है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पुरानी वाली डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैच करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था 977 हमारी पंजीयन संख्या थी एंड मोबाइल नंबर हमारा लास्ट का था 1346। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो 3 मेंबर ऑलरेडी ऐड थे हमने यहाँ पर 4th नंबर वाला जो मेंबर है इसे अभी फिलहाल में ही ऐड किया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लाइव प्रोसेस दिखाई है। अभी मैं यहाँ पर आपको पेज रेफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने पेज रेफ्रेश किया तो देख सकते हैं हमारी सारी मेंबर्स की डिटेल्स यहाँ पर जो 4 हुए हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी मैंने ये जो वीडियो शूट किया 28 तारीख के लिए शूट की है, तो यहाँ पर अभी जो आप फैमिली मेंबर की डिटेल है इजीली ऐड कर पा रहे हैं सीएससी के थ्रू। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो किसी नियरेस्ट सीएससी पर जाकर अपना जो फैमिली डिटेल्स है उसे इजीली ऐड करा सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल और आसान तरीका था जिससे आप अपने लेबर कार्ड में अपनी फैमिली डिटेल्स को ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को ऐड करा सकें। इसके अलावा एक और तरीका था जिससे आप लेबर कार्ड का जो हेड ऑफिस था उसमें जाकर फैमिली डिटेल्स को ऐड करा सकते थे, लेकिन वो सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर की जो हालत है वो आपको पता ही होती है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। सीएससी पर आपका हैंड टू हैंड आपका लेबर कार्ड जो है अपडेट हो जाएगा और आप इजीली अपनी जो फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स है उसे ऐड करा पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो में बताई हुई पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेबर कार्ड से रिलेटेड जो भी सारे वीडियोस हैं उनके लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।